हेलो एवरीवन, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मेरा और दीप्ति का एंगेजमेंट वाला व्लॉग देखा और मैंने सब कमेंट्स पढ़े और सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं, इसके लिए मैं यहाँ वीडियो थ्रू मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिसने कमेंट्स में मतलब पॉसिबल जिनको पॉसिबल नहीं था उन्होंने वहीं से ब्लेसिंग्स दिए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। यस, इट वॉज सरप्राइज फॉर यू ऑल। मैं जानता हूँ कि मतलब अचानक एंगेजमेंट वाला ब्लॉग कहाँ से आ गया, एवरीबडी मस्ट बी शॉक। तो यस, शी इज़ एडेड टू माई हार्ट, एडेड टू माई फैमिली। और आगे आगे ब्लॉग में आपको पता चली जाएगा कि हमारी जर्नी कैसे, हम कहाँ मिले, कैसे मिले, और पूरा जर्नी हम मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बनाने का कोई प्लान था ही नहीं था, बट ये चिल्लर पार्टी मुझे इतना सता रही है, व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, क्योंकि कल एंगेजमेंट के बाद हम लोग इतना थक गए कि ऐसा लग रहा था आज सिर्फ रिलैक्स करूँ। तो पीछे मामा झाड़ू निकाल रही है, मैं ये दोनों बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि दोनों ने ब्रश कर लिया, दोनों को भूख लगा है और अभी भी नाइट ड्रेस में बैठे दोनों जन। अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं इन लोग को फ्रेश कराऊंगी और पूरा दिन अभी इन लोग का धमाल होने वाला है। अभी से ही हो रही कि पूरा कलर सानू का जो पेंटिंग कलर है सब निकाल के रख दिया है, गन निकाल के रखा है, पूरा दिन ये दोनों धमाल करने वाले। और अभी से मुझे पूरे दिन का स्केड्यूल दे दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गार्डन लेके जाना, साइकिल चलाने लेके जाना। ये दो दिन घर पे है, दोनों शैतान मुझे पूरा सताने वाले, काकी और मम्मी, काकी और मम्मी, यही अभी जब लगने वाला है ना नानो। दादा एक्साइटेड? दादा तो फुल एक्साइटेड। चला पहले नाश्ता करो यार। तो आज हम लोग का नाश्ता एकदम सिंपल है, संडे, लेकिन हम लोग ने कुछ नॉनवेज नहीं बनाया, सिंपल फ्लावर बटाटे की भाजी और चपाती है, तो चाय के साथ वही अभी हम लोग नाश्ता एंजॉय करने वाले हैं। दोपहर के 2 बजे ये दोनों मुझे देखे साइकिल चलाने के लिए नीचे लेकर आए, क्योंकि इन दोनों को तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। जन्मेश फिर भी बड़ा है, अगर उसको लिफ्ट से यहाँ भी छोड़ दूँ तो वो साइकिल चला के आ जाएगा, बट सानू इज़ वेरी स्मॉल, आई कांट लीव हर अलोन। इसके लिए अभी मुझे 2 बजे इनको बोला मैं शाम को आराम से लेके जाती हूँ, तो बोलते नहीं शाम को भी लेके जाओ और अभी भी लेके जाओ। तो मैंने जस्ट अभी लंच फिनिश किया, किचन वाइंड अप किया और मैं बोला दोनों जन को थोड़ा 15-20 मिनट के नीचे लेके जाती हूँ, थोड़ा सा 4-5 राउंड चला लो, उसके बाद ऊपर लेके जाऊँगी ताकि एटलीस्ट शाम तक उनको थोड़ा शांति रहे और मुझे आराम से थोड़ा बाकी का काम करने मिलेगा। मेरा हाफ वाइंड अप करके तो हो चुका है, सिर्फ कल जो हेयर के सारे पिंस वगैरह निकाले थे वो सब अभी जगह पे रखना है, मेकअप का जो सामान निकाल के रखा था उसको क्लीन करके जगह पे रखना है। तो हाफ़ वर्क इज़ डन, हाफ वर्क चालू है। तो आज ना पूरा ऐसा क्लीन अप डे है, सो जो इतना हम लोग ने मेसअप करके रखा था जाने से पहले, सब सामान निकाला था वो वैसे ही रख के गए थे, जो वहाँ से हम लोग सामान लेकर आए उसमें से जो बचा है जो नहीं चाहिए अभी वो सब क्लीन करना है। तो ऐसे करके आज पूरा ना क्लीनिंग डे ही चल रहा है। तो ये देखो ये दोनों स्टार्ट भी हो गए। भाई बहन इतना सिंसियर है कि एक एक राउंड ही चला रहे, एक राउंड जैसे फिनिश हो जा रहा है सानू जन्मेश दादा को दे रही है, दादा का जैसे एक राउंड फिनिश हो रहा है वो सानू को दे रहे हैं। मतलब मैं बोले इतने तुम लोग सिंसियर कब से बन गए कि राउंड खत्म होते ही इमिजिएटली उतर के दे देते। तो अभी 4-5 राउंड हो गया, मैं उनको बोल रही हूँ चलो घर पे, स्टिल जैसे एक नहीं मम्मा और 2-3 राउंड चलाना है काकी, और 2-3 राउंड चलाना है फिर जाते, 5 मिनट्स करके अभी 20 मिनट हो गया, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे। अभी मैं उसको बोला एक लास्ट राउंड लगा लो फिर ऊपर चलते हैं। बोल वो मम्मा दादा मग काय आलं, थोडा पुढे आलं तर काय आलं, कंप्लेंट बॉक्स करायचं ना, मग आताच घरी चला चला, नाही ना मग आता तू पण राऊंड फिनिश कर आणि दादाला इथेच दे काकांकडे।
ये हम लोग के सिक्योरिटी काका है जो हमें जब भी मिलते हैं हम लोग हाय हेलो करते हैं। और काका यहाँ पे अभी इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी है, गेट के पास नहीं है। बरे ना काका जेवलन बरे बरे बरे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट डे। उस दिन का व्लॉग उतना ही शूट हो, उसके बाद ज़्यादा कुछ शूट हुआ नहीं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे वो भी इवनिंग है। और आज का भी पूरा दिन ऐसे एज यूजुअल रेगुलर जैसा जाता है वैसे ही गया। दोनों का लॉगिन हुआ, सानू का और जन्मेश का भी लॉगिन मैंने यहाँ से ही, अमोल ने मुझे भेज दिया था उसका आईडी पासवर्ड वगैरह, तो उसका भी स्कूल आज हम लोग ने यहाँ से ही ऑनलाइन करा दिया उसका। तो सुबह का टाइम तो बहुत बिजी स्केड्यूल था और मेरे मोबाइल से दोनों का लॉगिन हो रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। 10 बजे से लॉगिन स्टार्ट हुआ था तो 1:15 बजे लॉगिन ख़त्म हुआ। पहले सानू का हुआ, फिर जन्मेश का हुआ 11 बजे, तो इसलिए मेरा मोबाइल बिजी था तो आई डिड नॉट शूट एनीथिंग। अभी हम लोग उठ के रेडी होके चाय वगैरह पी के छाया आते के पास जा रहे, क्योंकि काकी आई तो हम लोग कहीं गए भी नहीं। कल जाने का प्लान था लेकिन इतना शाम को बारिश हो गया, अचानक से इतना बारिश होने लगा कि हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया, वी डिड नॉट गो। सो अभी सब लोग जा चुके हैं इसलिए आपको मेरे आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग नीचे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, मैं सुशांत का वेट कर रही हूँ, आए तो फिर हम लोग दोनों साथ में ही लिफ्ट में जाए। तो हम लोग जाएंगे छायाते के पास, आत्या को भी मिल के आएंगे और थोड़ा सानू और जन्मेश को भी घुमा के आएंगे। और आने के बाद मैंने नूडल्स आज डीमार्ट गए थे हम लोग दोपहर को, मैं और सुशांत और निशु, तो डीमार्ट से मैं नूडल के पैकेट भी लेकर आई हूँ। बच्चों को बताया नहीं कि उनके लिए नूडल्स बनाने वाली हूँ सरप्राइज, बिकॉज जन्मेश को भी बहुत पसंद है, सानू को भी पसंद है। तब लाइक चलो आज इन लोगों को थोड़ा ट्रीट दे देते, इतने टाइम से घर में नूडल्स बना भी नहीं है। तो मेरे पास कैप्सिकम स्प्रिंग ऑनियन दोनों था, तो अभी हम लोग निकल रहे आते के पास। वहाँ से आने के बाद देन आई विल मेक नूडल एंड गिव सरप्राइज टू देम। हम लोग पहुँच गए आते के पास। ये काकी, काकी को भी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं जब से ब्लॉग स्टार्ट किया तब से। काकी, मम्मा, मैं, सुशांत और दोनों ये ऐसा ही हो रहा है लास्ट 2 दिन से, 2 मिनट शांति नहीं है इन दोनों को। कल हम लोग, मैं और काकी नीचे गए थे सामान लाने के लिए, इन लोगों को गार्डन में बोला यहीं पे खेलना और थोड़ा रिमझिम बारिश जैसा हो गया था, मतलब अगर जोर से गिरेगा ना तो यहाँ गार्डन के जो खेलने का है ना उसके नीचे खड़े रहना ताकि तुम लोग भीगो नहीं। और हम लोग ने सब सामान लिया और इतना ज़ोर से बारिश आ गया कि हम लोग को 15 मिनट वहीं पे खड़े रहना पड़ा। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं बाद में वापस ऊपर गई इन लोग को लाने के लिए, ये दोनों स्लाइड पे से स्लाइड कर रहे थे जैसे कि वाटर पार्क में कैसा, और वो भी सीधा नहीं उल्टा। मैं पहले 2 मिनट खड़े रह के इन लोगों की मजा देख रही थी, लोग क्या कर रहे, दोनों ही थे, पूरा गार्डन खाली कोई नहीं था, ये दोनों पूरा भीगे हुए बारिश में अच्छे से और पूरा वाटर पार्क खेल रहे थे। मैं बोला चलो घर पे, घर पे आने के बाद भी मैं गई कपड़े लाने के लिए और टॉवल लाने के लिए, बाथरूम में भी ये लोग का दोनों का स्टार्ट हो गया। मतलब 2 मिनट इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकते, देखो और कितना भी कुछ भी बोल लो वो ही कर रहे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं इतना चिल्ला रही हूँ, मम्मी चिल्ला रही, काकी चिल्ला रही, तो अभी उनका अपना ही मस्ती चालू है। अभी यहाँ पर आके भी बोल रहे भूख लगी, तो आत्या गई है किचन में कुछ देखने के लिए कि क्या दूँ उन लोगों को खाने के लिए। घर से तो वेफर खा के निकले फिर भी बोल रहे भूख लग गई है। और काकी फर्स्ट टाइम आई आत्या के घर पे, तो अभी मैं काकी को पूरा घर अच्छे से दिखा दूंगी आत्या का, और फिर इसके बाद मम्मी ये लोग घर जाएंगे और मैं और सुशांत मार्केट जाएंगे थोड़ा सामान लाने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। काकी होम टूर कर रही है। आप लोगों को तो मैंने बताया था आत्या ने पीछे ये ग्राउंड फ्लोर पे तो बैक साइड डोर भी किया है, तो यहाँ पे अभी आत्या, काकी देखो अभी पहले सामने जाएगी, सब झाड़ वाड़ जो भी प्लांट लगा है ना पहले वो सब देखेगी कि इधर क्या। और काकी को भी बहुत आयुर्वेदिक का नॉलेज है, यूट्यूब पे देख देख के ये डायबिटीज़ लिए क्या करने का, नी पेन के लिए क्या करने का। तो और आत्या का बैक साइड भी कितना ओपन है देखिए, सेम नमिता ताई जैसा है। तो यहाँ पे भी कोई फंक्शन इवेंट करना हो ना तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे चेयर वगैरह लगा के मंडप डाल के अच्छे से, देखो चली गई काकी हमारी, काय शोधते काकी, दुर्वा शोधता है, हाँ दुर्वा शोधता है, इन लोग की तो मज्जा। ये रही आत्या, तो इन दोनों को मिल गया मैगी, गर्मा गर्म मैगी एंजॉय करने जो उनका फेवरेट है, और हम लोगों को मिला है होममेड नान कटाई, ये आत्या ने घर पे बनाया, तो ये मम्मी के हाथ में भी है, काकी के हाथ में भी है, बन टू टेक। तो हम लोग एंजॉय करेंगे नान कटाई और ये लोग मैगी। नानू गर्म है, स्लोली नूडल्स का सब रेडी हो चुका है, कैप्सिकम, कांदा, स्प्रिंग ऑनियन और थोड़ा कैबेज, कैरेट रह गया मैं भूल गई। और ये बाय द वे मैंने नहीं कट किया, ये सब इतना फाइनली जो कट किया ये सब निशु ने कट किया, अभी उनके एकदम जो मैंने उनको नाइफ सेट गिफ्ट किया था उसमें से यूज़ किया चॉपिंग नाइफ, और उससे निशु ने कट किया है। तो मैंने अभी कढ़ाई रख दिया है बनाने के लिए, और आज मैं ना ये चिंक्स का यूज़ करने वाली हूँ, सेम टू सेम जैसे इसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिया है ना मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ।
कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना, लेट सी इसका टेस्ट कैसे बनता है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था कि चिंग्स का नूडल मसाला कैसा होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर, बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। तो मैं देखना चाहती थी कि सिर्फ इससे बनाएंगे तो टेस्ट कैसा लगता है, तो मैं बना लेती हूँ सेम टू सेम जैसे इस पर इंस्ट्रक्शन दिया वैसे, और फिर आपको फाइनल टेस्ट करके बता दूँ कि कैसा लगता है। तो ये देखिए नूडल्स हो गया है रेडी, और मैंने इसमें पूरा पैकेट, एक पैकेट जो लाया था वो पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको कलर भी अच्छा आया है, एकदम हक्का नूडल्स जैसा बनता है ना वैसा। और मैंने टेस्ट भी करके देखा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, टेस्टी लग रहा है। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ना सोया सॉस, ना विनेगर, ना टमाटो केचप, ना चिली सॉस, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो नूडल्स मसाला डाला है बस।